तो आज हमें बनाना है धनिया मिर्ची का मसाला। तो सारा काम हो गया है, अब मसाला रह गया है, तो मसाला चलो बना लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो मसाले का भी ब्लॉग बना देते हैं। ये धनिया और मिर्ची को मैंने रोस्ट कर लिया है गैस में, तवे पर चढ़ा के इसको रोस्ट कर दिया, तो काफ़ी अच्छा मसाला हो जाता है। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से पिस गया है, और धनिया को थोड़ा सा दरदरा ही पीसते हैं, जिससे खाने में सब्जी में मसाला डालते तो टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। चलिए धनिया मिर्ची का मसाला तो पिस गया है, अब इसी जार में हम चटनी बना लेंगे। तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए इसी जार में हम धनिया, आंवला, मिर्ची, लहसुन सब डाल देंगे साथ में। आंवले की चटनी आजकल तो बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आंवला जरूर डालिएगा चटनी में। और अपने जितना आप तीखा खाते हैं उतनी मिर्ची डाल दीजिएगा साथ में, नमक और थोड़ा सा मेथी दाना भी डाल दीजिएगा, तो चटनी का स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, और इस टाइम चटनी और गोभी के पराठे तो मस्त लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स चटनी और गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चटनी फ्रेंड्स बनके तैयार हो गई है, और गोभी के पराठे और आंवले की चटनी का स्वाद तो बहुत ही मस्त लगता है। तो आप भी चटनी ट्राई कीजिएगा, और चलिए फिर गोभी के पराठे खाने के बाद आपसे मिलेंगे। तो गोभी में मैंने प्याज, थोड़ी सी मिर्ची, धनिया, हरा नमक और मसाला, थोड़ा सा धनिया मिर्ची का ऐड कर लिया है, और आटा लगा के रख दिया है। 5 मिनट हो गया है आटा लगाए मुझे। अब मैं ये गोभी के पराठे बनाऊंगी, और गोभी में जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने सारा निकाल दिया है। जब भी पराठा बनाए तो सबसे पहले ऐसे दबा दें जिससे ये अच्छी तरह से फैल जाए और निकले नहीं, और हल्के हाथों से ही बेलन चलाएं। और गोभी या मूली या आलू का पराठा ज्यादा हलाने की जरूरत नहीं है, उतना ही बड़ा साइज करें जितने में हमारा पराठा फटे नहीं। तो दूसरा पराठा भी हम ऐसे बना लेंगे। आंवले की चटनी के साथ गोभी का पराठा बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने आंवले की चटनी बनाई है, धनिया, आंवला, मिर्ची और ये गोभी का पराठा। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों ने मेरे प्लांट देखे, मेरे प्लांट बहुत ही सूख रहे हैं और खराब हो रहे हैं, तो उनकी देख रेख के लिए मैंने खाद मंगवाया है, और वो खाद को मैंने सुखा के अपने प्लांट में डाला है। तो आप भी इस टाइम जो गोबर की खाद आती है उसको मंगा के और उसको सुखा ले, फिर प्लांट में जरूर डाले। इससे प्लांट क्या रहते हैं, सही रहते हैं और तरोताजा बने रहते हैं, सूखते नहीं है। तो आप ही ऐसे जरूर कीजिएगा। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि प्लांट की मैंने कैसे देख रेख की है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे ब्लॉग, मेरे चैनल पे जाके मेरा ब्लॉग देखिए, जिसमें मैंने प्लांट के बारे में बताया है कि प्लांट मेरे कैसे सूख रहे हैं, तो इनको उनकी कैसे देख रेख करनी चाहिए। तो चलिए जब
तक पराठा मेरा सिक रहा है तब तक मैं और लोइयों में गोभी को भर लूंगी। हाथ में घी लगा था इसलिए चम्मच स्लिप हो गया, और आप तो जानते हैं घी में कितनी चिकनाई होती है, तो मैं ज्यादातर पराठे घी के ही बनाती हूँ बच्चों के लिए, घी के पराठे ज्यादा सही रहते हैं। पराठे में कितना अच्छा कलर आया है। तो गोभी के पराठे फ्रेंड्स बनके तैयार हो गए हैं, तो चलिए चटनी के साथ खाते हैं। आंवले धनिया की चटनी और यम्मी यम्मी गोभी के पराठे। तो चलिए, तो आज हम बालों में एलोवेरा लगाएंगे। तो ये देखिए एलोवेरा को मैं यहाँ से ये कट कर लिए हैं फ्रेंड्स। जो एलोवेरा लाए हैं इसको किनारे किनारे से हम छील लेंगे। और ये वाला पार्ट जो है उसको हम निकाल लेंगे इसमें। ये देखिए मैंने निकाल लिया है एलोवेरा। अब इसमें मैं कोकोनट ऑयल मिला दूंगी। कोकोनट ऑयल मिलाने के बाद मिक्स करके हम बालों में लगा लेंगे। इससे क्या होता है, बालों में जो डैंड्रफ होते हैं वो सही हो जाता है। तो इसकी जड़ों, ये जो है एलोवेरा और नारियल को मैं जड़ों में लगा लूंगी। तो फ्रेंड्स अब ब्लॉग को एंड करते हैं। देखिए मैंने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से एलोवेरा और नारियल तेल लगा लिया है। अब इसको एक घंटे के बाद मैं धुल लूंगी। तो आप भी अगर डैंड्रफ से परेशान हैं तो इस तरह से करके जरूर देखिएगा, आपको जरूर आराम मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब ब्लॉग का एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मिलते हैं। चलिए बाय।